पूंछ के वार्ड नंबर 13 के स्थानीय लोग सड़क की खस्ता हालत और जल निकासी की व्यवस्था से परेशान हैं और उन्होंने वार्ड पार्षद से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। जी हां, आपको बता दें, रोड की जर्जर हालत से स्कूली बच्चों का आना जाना दुश्वार हो चुका है और सड़क में जगह जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हमारे संवाददाता निपुण ने वहां का जायजा लिया और वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। हाँ नाजिन, जैसे कि आपको पता है कि जेके खबर ना हो हमेशा जो जनता की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करता है, उसी के चलते आज हम पूंछ मोहल्ला शीश महल वार्ड नंबर 13 में यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह इस मोहल्ले की जो गलियां जो रोड हैं उनकी क्या बदतर हाल हो चुकी है, जो बुरी हाल जो हो चुकी है उसमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा एक इशू बन चुका है कि यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे DDC ऑफिस है और साथ में देखा जाए तो कुछ ही दूरी में यहाँ से एक गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, सोशल वेलफेयर ऑफिस है और साथ में SSP ऑफिस जो है इसी रास्ते से होके गुजरता है और देखने में काफ़ी बुरी हालत यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ हमारे मोहल्ला के निवासी यहाँ हमारे साथ हैं तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम जो है उनको फेस करने में आ रही है। सर, मेरा नाम अजमीत पाल सिंह, मोहल्ला निवासी शीश महल पूंछ। हाँ सर, बताएं क्या प्रॉब्लम आती है आपको? सर, प्रॉब्लम ये है कि मामूली सी बारिश होने पर ये यहाँ पे तालाब बन जाता है और जैसा मैंने बताया कि आपने भी बताया कि ये प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे शीश महल है, DC ऑफिस महज 50 मीटर की दूरी पे है सर। और इतनी प्रॉब्लम है कि बच्चे सुबह नहीं जा पाते, शाम के टाइम तो छोड़िए, अंधेरे के टाइम यहाँ पे क्या हादसा हो जाए ये हम नहीं बता पाए। और शायद एडमिनिस्ट्रेशन साथ में मंदिर है, सुबह लोग जब जाते हैं तो सर रास्ते में यहाँ से पानी से होके उन्हें जाना पड़ता है जो हमारी महिलाएँ हैं। और सर हमने बहुत बार यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ भी जोड़े, हाथ ही जोड़ सकते हैं सर, हम मजबूर जनता हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, ना म्यूनसिपलिटी की तरफ से ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप म्यूनसिपलिटी के पास जाओ, वो बोलते हैं जी ये BRO के अंडर है, BRO वाले बोलते हैं जी ये RB के अंडर है, हमें ये नहीं पता सर ये किसके अंडर है। लेकिन जो हमारी मजबूरी है, और ये शायद मॉडर्न इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है सर, और जो मॉडर्न इंडिया आपने देखा आज ये हालत है कि शायद 1947 वाला भारत इससे ज़्यादा अच्छा हुआ होगा मेरे नज़र। क्या चाहते हैं? सुनवाई है कि जल्दी से जल्दी सल्फ्रिट को ठीक किया जाए, जो ये बार बार बता रहे हैं कि ये जो बार बार की समस्या है, छोटे सी वर्षा होने की वजह से ये जो समस्या आती है कि आप इसको जल्दी से इसका कोई हल निकालिए, आपके पास फंडिंग है, आपके पास सब कुछ है, आप इसका हल निकालें और हमारी समस्या दूर करें सर, कि जो हमारी ये समस्या है कि हमारे बच्चे बाहर नहीं आ पाते, बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और जैसा प्राइम लोकेशन की बात हो रही है, साथ में मंदिर है, यहाँ से मस्जिद का रास्ता भी है, स्कूल है, ऑफिस है, और उसके बाद भी सर अगर ये परेशानी है तो फिर मेरे हिसाब से शायद हम क्या बोल सकते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुबारकबाद है कि आप इतने अच्छा काम कर रहे हैं कि जो इतना अच्छा। निवासी यहाँ कुछ मोहल्ला निवासी हमारे चैनल के माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन तक ये पहुँचाना चाहते थे खबर, क्या क्या वजह है कि इन लोगों को इग्नोर किया जा रहा है? कैमरामैन सनी शर्मा के साथ मैं निपुण खजूरिया, JK खबर नाउ।